10th क्लास मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हम आज डेफिनेशंस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक खास तरीका होता है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वो हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तीसरे नंबर पे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप है, उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, तो वो हम सीखेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन और सबसे आखिर में हम एक्सट्रीनियस रूट्स देखेंगे कि एक्सट्रीनियस रूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, एन इक्वेशन दैट कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर इसको मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल का स्क्वेयर हो और उससे हायर पावर ना हो, यानी कि एक्स, ये जो मतलब हम फर्ज करें हमारे पास अननोन वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसका दूसरा नाम हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये पहली एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पहली एग्जाम्पल है कि 7x² + 5x + 3 = 0। इसमें देखें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल एक्स है, इसका स्क्वेयर मौजूद है और इस पूरी इक्वेशन के अंदर इससे हायर पावर कोई नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है जी 5x = 9x² - 4। इसमें भी देखें हाईएस्ट पावर अननोन वेरिएबल की 2 है, यानी कि उसका स्क्वेयर है, इससे ज्यादा नहीं है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड एग्जाम्पल है जी, इसमें भी आप देखें हमारे पास एक्स की पावर 2 है, इससे हायर पावर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ताकि आपको और ज्यादा ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो ये देखें जी 3x³ - 5x² + 3x - 7 = 0। इसमें आप देखें हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 3 है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सबसे हायर पावर है वो हमारी उसका स्क्वेयर होना चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद अगली एग्जाम्पल आप देखें 7x - 5 = 0। अब इसके अंदर अननोन वेरिएबल का स्क्वेयर ही नहीं है, ठीक है, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और थर्ड एग्जाम्पल है 3x² = 6x² - 5। तो इसमें भी आप देखें हाईएस्ट पावर 4 है जो कि स्क्वेयर से बड़ी है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद हमारी दूसरी डेफिनेशन है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक तरीका है, एक खास तरतीब है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है जी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो और इक्वल टू जीरो हो, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर्स, और ये ए बी और सी रियल नंबर्स हो, तो इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। 7x² + 5x - 3 = 0। इसमें आप देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, फिर एक्स वाली टर्म आ रही है, फिर कॉन्स्टेंट आ रहा है और इक्वल जीरो के है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल बिल्कुल देखें, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है, इक्वल टू जीरो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड इक्वेशन 7x² + 3x = 0।
देखें फर्स्ट टर्म स्क्वेयर वाली है, उसके बाद एक्स वाली टर्म है, और चूंकि कांस्टेंट नहीं है, अगर कोई टर्म ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म है ही नहीं, तो तरतीब हमारी ठीक है, अगर वो होती तो यहाँ पे होती, तो ये हमारी तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ताकि आपको और ये डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाए। 7x² इज इक्वल टू 2x-3। अब आप देखें पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर उसके बाद x वाली टर्म इधर होनी चाहिए थी, फिर कांस्टेंट होना चाहिए था, और इक्वल की दूसरी तरफ जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल की दूसरी तरफ चली गई है, इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अगली आप देखें इसमें तरतीब आगे पीछे है, पहले x² वाली टर्म है, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर x वाली टर्म है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और ये थर्ड एग्जाम्पल 3x² - 5x = 3, हमारे पास इक्वल के इस तरफ सिर्फ जीरो होना चाहिए, 3 जो है वो इस तरफ होना चाहिए था। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये तीनों, और ये तीनों जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। उसके बाद हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक आगे किस्म है, टाइप है, जिसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन है, इफ बी इज इक्वल टू जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इसमें बी जीरो हो जाए, तो बी के जीरो होने से क्या होगा, अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इस टर्म को खत्म कर देगा, तो इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगर आपको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स वाली टर्म ना हो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसकी फॉर्म इस तरह हो जाएगी, अगर बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये ax² वाली टर्म रह जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है जी, ये पहली एग्जाम्पल है, इसमें आप देखें एक्स वाली टर्म नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड में भी आप देखें एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी। और ये तीसरी में भी एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ये तीसरी एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड है। पहला मेथड है जी फैक्टराइजेशन का, ये आपको जो है मैं वीडियोस बनाऊंगा, जब एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको तफसील से पता चल जाएगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब मैं यहाँ इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये पहला मेथड है जी फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वेयर, इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac / 2a, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, वहां से ए बी सी की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करते हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से रूट्स आ जाते हैं 2। एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो जितनी डिग्री की इक्वेशन हो उसके उतने ही रूट्स या उसके उतने ही आंसर आते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। तो अगर हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट के अंदर आए तो उसको हम कहते हैं जी वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो ये आपको एग्जाम्पल से सही अच्छा समझ आएगा। ये आप देखें 2 पावर x + 1, तो ये एक्सपोनेंट, यानी कि ये पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास अननोन वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाए, ये एक्सपोनेंट में चला जाए, तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ये देखें जी 3 पावर x पावर 2 - 1 + 12 = 0। तो यहां भी आप देखें
जो अननोन वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट के अंदर है, इस वजह से इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद हमने अगली जो डेफिनेशन करनी है वो जी रेडिकल इक्वेशन की है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद हो वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाए तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये आप देखें, ये हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, इसको रेडिकल साइन भी कहा जाता है। तो ये देखें 5x+1 ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद है, तो अगर ये रेडिकल साइन के अंदर आ जाए तो इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा ये एक और इक्वेशन है, इसमें ये दो रेडिकल साइन आ रहे हैं और ये दो एक्सप्रेशन अंदर है इसके, तो इसको भी रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद एक और डेफिनेशन जिस चैप्टर में हम जो है पढ़ेंगे वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, एक ऐसी इक्वेशन अगर हम उसमें एक्स की बजाय 1/x लिख दें और वो अनचेंज्ड रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए, कोई फर्क ना पड़े, वो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल x+1/x इज इक्वल टू, वो आप देखें आप इस x की जगह 1/x पुट कर दें और इस 1/x की जगह x पुट कर दें तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, जैसे हम फ्रैक्शंस उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो ये x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसके बाद अगली इक्वेशन है x²+1/x² इज इक्वल टू 0, अगर आप x की जगह 1/x पुट करें तो ये इक्वेशन दोबारा से यही आ जाएगी, जिसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है, ये हमारी थर्ड एग्जांपल है, इसमें देखें x+2/x। अब जब आप x की जगह 1/x पुट करेंगे तो ये वाला 2 जो है ये प्रॉब्लम करेगा, इस वजह से ये वाली इक्वेशन हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। और हमारी आखिरी डेफिनेशन इस चैप्टर की एक्सट्रीनियस रूट्स है। तो ये क्वेश्चन करवाते हुए मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर एक्सट्रीनियस रूट क्या होता है। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। मतलब आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, दूसरा मैंने आपको बताया उसके दो रूट्स होते हैं, तो उन दो रूट्स में कोई ऐसा रूट, अब दोनों रूट्स जो है अगर आप क्वेश्चन के अंदर पुट करें तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए, अगर तो वो आ जाती है तो ठीक है, अगर कोई रूट पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम उस रूट को एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। तो